मैं सुरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम्स। मुंबई महाराष्ट्र में लगातार बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों ने सीएम उद्धव ठाकरे की नींद उड़ा दी है। इस बीच खबर आई, कोरोना ने मुख्यमंत्री के घर के पास दस्तक दे दी है। दादर स्थित मुख्यमंत्री के निजी आवास मातोश्री के पास चाय बेचने वाला शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया। उसके बाद चाय वाले के पास जो मातोश्री है वहां पर तैनात पुलिसकर्मी चाय पीते थे, उन्हें भी क्वारंटाइन किया गया है और मातोश्री और उसके आसपास के इलाके को सोमवार को यानी कल सैनिटाइज किया गया। महाराष्ट्र में कोरोना की संख्या जो है अब 1000 के करीब हो चुका है और पूरे देश की अगर बात करें तो 4000 पार कर चुका है। अब हम आपको ठाणे जिले के मुमरा शहर की हालात बताते हैं। यहाँ पर पहले से अब कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट किया है, पुलिस प्रशासन काफी सख्ती में है। जगह जगह नाकाबंदी लगाई गई है। 3 किलोमीटर का मुमरा शहर जो सीधा सीधा एक ही रास्ता है, उस रास्ते पर अलग अलग टीम अलग अलग स्पॉट पर तैनात है। अब किसी को निकलना या चकमा देकर या यूं कहें जो है लोगों को गुमराह करके सड़कों पर टहलना काफ़ी मुश्किल होगा। पिछले दिनों से पुलिस पहले ऐलान किया था वाहन लेकर सड़कों पर न टहले और उसके बाद जो लोग सड़कों पर दिखे हैं उनकी बाइक रिक्शा या फिर कार जमा कर लिया गया है। कुछ तो ऐसे भी एक्शन उठाए गए हैं, जगह जगह पर गाड़ियों के हवा निकाल दिए गए हैं। और मुमरा के वाई जंक्शन पर तैनात अपनी टीमों को लेकर जो पुलिस ऑफिसर हैं PSI गायकवाड़ ने क्या कहा, किस तरह के लोग सड़कों पर आ रहे हैं जो उन्हें जाने दिया जा रहा है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि 2 दिन से जो है काफ़ी स्ट्रिक्ट किया गया है, पुलिस जो है काफ़ी सख्ती में है, उसके बाद भी कौन से लोग हैं जो आ रहे हैं जिनको छोड़ा जा रहा है, बाकी लोगों को घर रिटर्न किया जा रहा है। वाई जंक्शन पर जो है आप जो है नाकाबंदी लगाए हुए हैं, तो किस तरह से लोग आ रहे हैं, क्योंकि कल से जो कड़क किया गया है आज जो इतना स्ट्रिक्टली दिखा जा रहा है, जगह जगह पर पुलिस है, अब इस ऐसे मौके पर कौन लोग हैं जो आ रहे हैं जा रहे हैं? दरअसल अभी ट्रैवल्स टोटल सब अभी जो रिक्शा है, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, अभी कलेक्टर साहब के ऑर्डर के हिसाब से सब अभी इसके ऊपर पाबंदी लाई गई है। हाँ। तो लोग अभी जो पैदल आ रहे हैं, किसी को अभी रेशनिंग दुकान से कुछ लाना है तो किसी को मेडिकल स्टोर में जाना है, तो ऐसे कुछ लोग जो है पैदल आते हुए जा रहे हैं, लेकिन एक दो ऐसा करके जा रहे हैं। बाकी ज़्यादा भीड़ जो होती थी वो अभी ज़रा कम हो गई है, लोगों को गाड़ियों पर चलना मना कर दिया गया है, तो उस हिसाब से अभी लोग जो है गाड़ियाँ कम यूज़ कर रहे हैं। बहुत ज़रूरत मेडिकल या हॉस्पिटल जाना है तो ऐसे ही लोग आते जाते दिख रहे हैं, बाकी सबके ऊपर अभी पाबंदी ला गई है। देखा गया कि जो है कल से जो है एक रोड को बंद कर दिया गया है, क्योंकि बंदोबस्त एक रोड पे होती थी, दूसरे तरफ से वो निकल जाते थे, लेकिन अब ऐसा हो पाएगा क्या? नहीं, अब फिलहाल अभी एक साइड तो पूरा बंद ही करवा दिया है, ब्रिज जो है वो बंद करवा दिए गए हैं और नाकाबंदी जो दोनों बाजू से है, शहर के दोनों बाजू से, तो दोनों बाजू से पूरी पूछताछ करने के बाद ही जो ज़रूरतमंद है, जो मेडिकल है, जो पेशेंट है, उनको खाली छोड़ा जा रहा है, बाकी सभी को घर में ही रहो ऐसे बोला जा रहा है, बाहर मत निकलो, गाड़ियाँ मत निकालो, ये बोला जा रहा है। अच्छा सर, एक बात और मैं आपको पूछता हूँ, मतलब कभी वो निकल जाता है बाहर तो उसके लिए स्ट्रिक्टली एक्शन पुलिस की तरफ से क्या हो रही है? उसके ऊपर स्ट्रिक्टली गाड़ियाँ हम कब्जे में ले रहे हैं, उनके ऊपर अभी कार्रवाई की जा रही है। कल भी हमने 6 केसेस दाखिल किए हैं, 2 व्हीलर के 30 लोगों के ऊपर कल कार्रवाई की गई है, आज भी वही कार्रवाई चालू है। जो बिना वजह से बिना काम के अगर घूम रहे हैं तो उनके ऊपर हम गाड़ियां ताबे में लेके हम कार्रवाई कर रहे हैं। अब ये भी तस्वीर देखें, मुमरा का मुख्य रास्ता है और रास्ते को बंद कर दिया गया है, यानी एक तरफ का जो रास्ता है वो बंद कर दिया गया है, आने जाने वाले एक ही तरफ से अब जो है आ सकते हैं। पुलिस प्रशासन चक्करे लगा रही है गलियों में और सड़कों पर, लोगों से अपील कर रही है घरों में रहें, बाहर ना निकलें। आज सिर्फ मेडिकल की दुकान, हॉस्पिटल और दूध की दुकान खुले हैं, जो बाकी और जो दुकानें हैं जो सेवा हैं वो बंद कर दिए गए हैं। इसका मुख्य कारण है लोगों ने सोशल डिस्टेंस नहीं रख रहे हैं, जिसके कारण बाकी के सेवाएं फिलहाल बंद हैं, यहाँ तक कौसा के पेट्रोल पम्प भी बंद हैं। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहें प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।